दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट सीखेंगे। दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर एक यूज होता है फॉर्मेट पेंटर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये फॉर्मेट पेंटर है आपका। दोस्तों पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है और किस लिए हम करते हैं? सिंपल है, एक चीज समझिए। जैसे कि आपके पास ये पावर पॉइंट ओपन हो रखा है, ठीक है। यहां पर अगर आप कुछ सेंटेंस लिखते हैं, सपोज दैट मैं यहां पर एक डमी पैराग्राफ बना लेता हूं आपको समझाने के लिए कि फॉर्मेट पेंटर को हम किस तरीके से यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ के लिए एक कोड डाला, एक डमी पैराग्राफ मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कई सारी चीजें जो हैं वो बना ली। इसको बाकी को हम डिलीट कर देते हैं, अब इतने में समझते हैं। फ्रेंड जैसे कि आपके पास एक ये पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर इनका स्टाइल जो है मैं यहाँ से कुछ चेंज कर, सपोज दैट मैंने कुछ स्टाइल चेंज कर दिया, कुछ एरी दूसरे सेंटेंस मैंने बनाए और इसका भी मैंने जो स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर दिया, इसको भी कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर जो फॉन्ट स्टाइल है वो अलग-अलग है, ठीक है। जैसे हम इसको ये कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो फॉन्ट स्टाइल है वो चार पांच तरीके के हमने जो है मिक्स कर दिए। जैसे इसका जो स्टाइल है ये अलग है अल्जीरियन है, ठीक है। ये स्टाइल जो है ये अलग है अहरोनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्टाइल है फॉन्ट का जो अलग है, ये फॉन्ट का स्टाइल है जो अलग है। सपोज दैट अब आपको ये बोला जाए कि जो ये वाला फॉन्ट स्टाइल है, जो फर्स्ट ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है सेम ये फॉन्ट स्टाइल आपको इस पूरे पैराग्राफ के अंदर चाहिए। आई मीन कि यही वाला फॉन्ट स्टाइल आपको इन सबके ऊपर अप्लाई करना है, सारा एक जैसा करना है, एक ही फॉन्ट में पूरे पैराग्राफ को करना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सिंपली आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है कि क्या करता है कि जो सेंटेंस है इसको जब आप सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे यहां पर क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया, इसको रीड कर लिया, ठीक है। जो ये वर्ड है इसका जो फॉन्ट स्टाइल है पूरा। अब आप देख रहे हैं हमारे कर्सर के साथ एक ब्रश भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको पूरे पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और जब छोड़ेंगे माउस, तो आप देखेंगे पूरा जो आपका पैराग्राफ है वो सेम फॉन्ट स्टाइल के अंदर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है जो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में लिखे हुए हैं कई सारे और आपको सेम फॉन्ट स्टाइल में पूरा पैराग्राफ करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना होगा। ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। दूसरा इसका एक ऑप्शन है हमारा कॉपी। कॉपी का मतलब क्या फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं जैसे कि जो ऊपर वाला हमारा ये लाइन है जो हमने ये लिख रखा है द क्विक ब्राउन फॉक्स चम, अगर आपको सेम यही चीज एक बार और रिपीट करना है तो उसके लिए आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लो और ये जो आप देख रहे हैं दो बुक की तरह है, इसे कॉपी कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल सी होता है। जब आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल सी दबाएंगे तो भी ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप इस पर जाकर भी ऐसे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने क्लिक कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा ही सेंटेंस एक और चाहिए नीचे, तो सिंपली एंटर किया मैंने और मुझे कहाँ चाहिए, यहां पर चाहिए। तो अब यहां पर आप पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+V। आप यहां पर पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और Ctrl+V भी टाइप करेंगे तो भी जो ऊपर वाला लाइन है वो यहां पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, मैंने यहां पेस्ट पे क्लिक किया तो आप देखिए जो ऊपर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, वो नीचे जैसे मैंने Ctrl+V किया या फिर मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो वो देखिए ये जो लाइन है वो यहां पर हमारा आ गया है, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड के अंदर कट। कट का यूज क्या है, जैसे आपने देखा कि जब हमने इसको यहां से कॉपी किया है तो ये चीज यहां से कॉपी हो गई और कॉपी होने का जब हमने पेस्ट किया तो ये लाइन या जो सेंटेंस है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है। बट कट के साथ ऐसा नहीं है, जब कट पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो सेंटेंस है आपका वो यहां से क्या होगा, हट जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। जैसे कि मैं यहां से इसे कट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो है यहां से क्या हो गया, कट गया फ्रेंड्स। अब आपको इसे पेस्ट करना है कहां, दोबारा अगर यहीं पेस्ट करना है या दूसरी कहीं जगह पेस्ट करना है तो आप इसको एंटर करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी यहां पर पेस्ट हो जाएगा। मतलब कॉपी और पेस्ट में दो एक डिफरेंट है छोटा सा, क्या कि जो कॉपी है वो क्या करता है, उस सेंटेंस को जिसको आपने कॉपी कर रखा है वो वहां पर भी रहेगा और जहां पर आपको और दूसरी जगह चाहिए वहां पर जाकर क्लिक करके जब आप पेस्ट करेंगे तो वहां पर भी आ जाएगा। मतलब सेम जगह वहां भी रहेगा जहां पहले था और दूसरी जगह जहां आपने पेस्ट किया वहां भी रहेगा। लेकिन कट में क्या होगा, जहां से आपने इसको सिलेक्ट कर कट करेंगे तो वो यहां से हट जाएगा। अब जहां पर आपको चाहिए
वहां पेस्ट करेंगे तो वो सेंटेंस वहां पर आ जाएगा, ना कि पहली वाली जगह पर रहेगा, पहली वाली जगह से वो हट जाएगा। तो ये बेसिकली कट का यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए कि पेस्ट, कॉपी कट और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज पावर पॉइंट में कब और किस लिए होता है। आई होप कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज से मैं अपने चैनल पे पावर पॉइंट की डेली वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट पावर पॉइंट सिखाऊंगा। अभी पहले मैं आपको सारे रिबन के जितने ये ऑप्शन है, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, ये सब एक एक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एनिमेशन लगाना भी बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी और आप उन वीडियोस को देखकर और भी बहुत सारी चीजें सीख सकेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम या आपका कोई क्वेश्चन या डाउट से जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे आके कमेंट करिए। मैं जब भी आपके वीडियो को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज के साथ।